हमें बच्चा कर लेना चाहिए ना, समझो यार बात को। प्लीज सर दूर देखो ना, प्लीज ना। जब भी तुझे समझाने के लिए सोचता हूँ कुछ ना कुछ हरकत कर देती है। तो तुम डरो। कौन सा भूत चढ़ा तेरे पर? मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे टच करता है। उसका तरीका होता है शादी इसके साथ हुई, टच करता तो टच करने नहीं देती यार। मेरी बात सुन ले, मुझे नानी बनना है। अगर तू मेरी बेटी को माँ बना सकता है तो बोल। मैं तुम्हारी बेटी को हाथ लगाने दे जब ना। क्यों, मेरी बेटी में ऐसा क्या है जो हाथ नहीं लगाने दे रही तेरे को? वो भूत आते हैं उसके ऊपर, पागल हो जाती हो। पागल पागल है क्या? पागल तो तू लग रहा है मेरे को। आपकी मैं इज्जत करता हूँ, वो पैसे मत बोलो मुझे, ठीक है? आप उसकी मम्मी हो, मैं इसलिए इज्जत करता हूँ बस। अब अपनी बेटी से आके पूछो पहले। मेरी बेटी को बचपन से मैंने पाल पोस के बड़ा किया, उसके अंदर कोई भूत नहीं है। उसके ऊपर भूत आते तूने ही कोई जादू किया मेरी बेटी के ऊपर, समझा? हाँ, मैं तो तांत्रिक हूँ, काला जादू लेकर डोल रहा हूँ। देख, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी में कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तेरे अंदर, आके चेक करा लो फिर, चलो डॉक्टर के पास चलो। क्या चेक करा लूं मैं? क्यों ऐसी गलत गलत बातें कर रहा है मेरे सामने तू? मेरी बेटी ने बताया तुझे? मुझे पता है कितना उसने बताया है, मुझे पता है। जब मैं उसे हाथ लगा तो कैसे पागलों की तरह नाचती है वो। मेरे को खुद डर लगता है, मैं रूम में काटने को काटने को। समझ आई ना? मेरी बेटी ने बताया सारा तेरे बारे में मेरे को। सब पता है, कितना क्या बताया उसने मेरे सामने, तो कभी नहीं बोलती। जैसे हाथ लगाने गया वो पता नहीं क्या भूत चढ़ जाता है उसको, पागलों की तरह खेलने लगती है वो। ये जो भूत भूत का ड्रामा कर रहा है ना मेरे सामने, मतलब तूने ही किया होगा। अपनी बेटी से पूछा था क्यों करती है फिर वो? मेरी बेटी कुछ नहीं करती, फालतू मत बोल लिया तू। हाँ तो देख लेना फिर अपनी बेटी को, क्या क्या करती है वो। बाप तू ही नहीं बन सकता, फालतू मत बोल तू। अरे बेटा 5 साल हो गया मेरी बेटी की मैंने इससे शादी करवाई है। बाप क्यों नहीं बन सकता, क्या हुआ? अरे भाई मैं बाप बन सकता हूँ, वो मुझे हाथ लगाने दे तब ना। जब भी हाथ लगाओ भूत आने लगते, नाचने लगती है पागलों की तरह। ड्रामा कर रहा है भूत भूत का। मेरी बेटी अच्छी भली, मेरी बेटी अच्छी भली, अच्छी भली होगी तो अब तक वो माँ बन गई होती, वरना खराब। चेक चलो मेरा, चेकअप भी कराऊंगी तेरा मैं। चलो फिर अभी चलते हैं। तू बाप नहीं बन सकता तू, पता है सब आपको। क्या पता, आप बड़ी हो बस। मैं इसलिए आपका दामाद है, दामाद है मेरा ये। तो दामाद को हरामजादे बोलते हैं हमारे यहाँ। अरे बेटा 5 साल हो गए शादी को, तो उल्टा सीधा मेरी बेटी के बारे में बोलता है, तो गुस्से में तो इंसान गाली ही देगा ना। बेटी को हरामजादी तो नहीं बोला, तो गुस्से में तो गाली ही देगा ना इंसान, क्या करेगा गुस्से में। तू इसको भी गुस्सा आ रहा है, जभी तो आपको कह रहा है डॉक्टर पे चलो चेक कराओ। किसी को अगर ऐसे बोलोगे वो बाप नहीं बन सकता तो बोलेगा ही। अब अगर इसको भाई नीचे बैठ जा, अगर आप इसको खड़े पैर यूं बोलोगे तू बाप नहीं बन सकता तो इसको गुस्सा नहीं आएगा? मेरी बेटी ने मुझे बताया है बेटा। क्या बताया? ऐसे थोड़ी मैं क्या बताया आपकी बेटी? मेरी बेटी ने बोला इसमें नुक्स है, ये बाप नहीं बन सकता। 5 साल हो गए शादी को, अब तक तो बच्चा 3 साल का बच्चा हो जाता खेलता। हाँ तो मैं किसी और को पकड़ के और उसके साथ कर लेता हूँ, देख लेना बच्चा होता ही नहीं होता, करके दिखाऊं। तो तेरी शादी इनकी बेटी के साथ हुई है, किसी और को क्यों पकड़ेगा? कोई नहीं लगता ना कि मैं गलत हूँ। ये सीधा सीधा नाम अर्थ बोलना चाहती है मुझे। शादी तेरी मेरी बेटी के साथ हुई है ना? नहीं, तो ये लगाने देती आप ना? एक बात बताओ, आप इसको कह रहे हो कि नामर्द है, ये कह रहा है कि भाई मैं चेकअप कराता हूँ, या तो डॉक्टर के पास चलो या तो डॉक्टर को बुलाओ। आपका कोई जानकार में डॉक्टर है जो ऐसी चीजों के चेकअप करता? हमारा फैमिली डॉक्टर है, हम दिखाएंगे। तो फैमिली डॉक्टर में उसे इस डॉक्टर में फर्क होता, इसके आपको पता ना अलग से डॉक्टर होते हैं। तो ऐसा कोई है आपके जानकार में? नहीं, ऐसे किसी डॉक्टर को मैं नहीं जानती हूँ बेटा। तो घर में कोई है जो जानता हो? नहीं, कोई नहीं। तो इसका चेकअप कैसे होगा फिर? ये चीजें बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तो इसको थोड़ी ना पता, ये तो कह रहा है कि मेरे को किसी और लड़की के साथ कराओ, देखो मैं बच्चा कर सकता हूँ। चेकअप कराने के लिए तूने बोला ना? आपको आपकी बेटी ने बोला है कि ये नहीं करो? हाँ, मेरे को मेरी बेटी ने बोला है कि ये बाप नहीं बन सकता। ये 5 साल हो चले शादी को, बताओ। और तेरा क्या कहना भाई? मेरे को कभी हाथ ही नहीं लगाने देती वो, भूतों की तरह नाचती है पागलों की तरह। मैं तो रूम से बाहर चले तो लिपस्टिक पता नहीं कैसी कैसी लगाती है, उल्टी सीधी, फिर उसके बाद नाचने लगेगी। जब मैंने तेरी शादी करवाई थी, नहीं तेरी शादी जब मैंने अपनी बेटी से कराई थी उसमें कुछ ऐसा नुक्स लगा था तेरे को? स्टार्टिंग में तो बड़ा सही था, लेकिन फिर उसके बाद उसने कभी हाथ ही नहीं लगाने दिया मुझे। तो तूने ही कुछ किया होगा ना मेरी बेटी के ऊपर? अभी अभी ये सारी बातें करते हैं ना। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल आप सभी के? होप हो गए सारे बढ़िया। हम आ चुके हैं और एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और आज हेल्प क्या करने के लिए आ रखे हैं पता नहीं। यहाँ पे तो भूतों की बात हो रही है भाई, मेरे को तो बड़ा डर लगता है भूतों से, सच बता रहा हूँ। और लड़की में अगर खासकर भूत आता है तो मैं और ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि भाई भूत से जितना हो उतना दूर रहो, कहीं चपट जाए फिर हम क्या करेंगे, समझ रहे हो? मैंने तो यूँ सुना है कि जितना दूरी रखोगे उतना बढ़िया रहेगा, तो मैं दूरी ही रखूँगा भूत से, मेरा कोई लेना देना नहीं। इनकी शादी को हुए पड़े 5 साल हैं, 5 साल में इनका कहना ये कि कोई बच्चा नहीं हुआ, मुझे नानी बनना है। इनका ये कहना है कि जब मैं उसको टच करता हूँ तो उसमें दोरे पड़ जाते हैं। मतलब कैसे करती है कुछ पता है? दिखा सकते हो? करती है। दिखा वीडियो सकते हो? दिखा सकता हूँ मैं? नहीं, वीडियो मत दिखाओ, कॉपीराइट आ जाएगा। आप कुछ कर सकते हो ऐसा?
मतलब क्या करते हैं? ऐसे ऐसे नाचती है वो, करके दिखा मुझे, थोड़ा दिखाओ हल्का थोड़ा। अरे भाई पागलों की तरह ऐसे ऐसे नाचेगी, हाथ पैर मारती है, यूं करेगी, पता नहीं क्या क्या करती है, दीवारों में सर मारती है वो। अच्छा, उसके बाद नोचा अच्छी करती है, पागलों की तरह काटती है। क्या करूं मैं भाई, मैं क्या हाथ लगाऊंगा उसे काटने के लिए? थोड़ी मैं तो भूत नहीं आ गया, तुम तो नीचे बैठो। अरे भाई मुझे गुस्सा आता है इनकी बातों पे, और जैसे करती है ना, और मैं खुद डर के बाहर चले तो गेट बंद करते, तो कितनी बार तो चिल्लाती रहती है रूम के अंदर। बोल रहा है तो मैं तो ये कहीं नहीं कर रही। कैसे कैसे नोचती आंटी को, नोच के दिखाना एक बार। नहीं नोचूंगा तो अभी ये भागेंगे यहाँ से। आंटी को नोच के दिखाओ एक बार। अरे वो गले वाले पे सब जगह नोचती है वो, ऐसे करती है। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा अपनी बेटी। अरे ये देखो ना निशान भाई, क्या निशान है ये, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर इधर कैमरे में दिखाओ भाई। ये देखो भाई, ये भी है, ये देखो, ये देख लो भाई, पूरा नेल अंदर गया हुआ। अच्छा, तूने खुद ही कर रखा होगा अपने आप को ऐसे। हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो। ये डिजाइन भी उसने बनाया क्या जींस पे? नहीं, बाहर से लिया। तो भाई अभी का सीन ये है कि पूरी बात आपको पता लग चुकी है। इस बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं कि भाई भूत वगैरह का या जो भी है, देखो इन चीज़ों की नॉलेज मेरे को इतनी है नहीं ना। मैं बोलूँगा इसके साथ क्या गलत हो रहा है, वो आप समझ रहे हो कि इनकी सास बैठी हुई है, ये इनका दामाद है, दामाद को हरामजादा बोल रही हैं, कुत्ता बोल रही हैं, कमीना बोल रही हैं, और कौन सी गाली दी थी आपने? अरे बेटा गुस्से में निकल ही आता है ना। गाली कौन कौन से दी थी, दोबारा देख के दिखाओ। यही बोला मैंने, हरामजादा, कुत्ता, कमीना, बस। दोबारा गाली दे रहे हो आप, तमीज ही है ना बोलने की। दामाद को दोबारा गाली दे रहे हो, मेरे अंदर बहुत है। नहीं दामाद को गाली दे रहे हो, क्या बोला अभी आपने दामाद को? बेटे मैं पहले क्या बोला दामाद को? नहीं दामाद को अभी आपने क्या बोला? यही बोला कुत्ता कमीना। आप दोबारा गाली दे रहे हो, देख लो आप पूछ रहे हो, इसलिए मैंने बताया। तो मैं पूछूंगा आप गालियां दोगे इसे दोबारा? आप बड़े नहीं होते ना मेरे से। पूछा आपने क्या बोला? आप फिर कह रहे हो कुत्ता कमीना हरामजादा, क्या बोला अभी आपने इनको? गालियां दी है। तो आपने क्या बोला उनको? बोला कुत्ता कमीना बोला मैंने तो। तो आप दामाद को गालियां देते जाओगे? बेटे हम तो बहुत इज्जत करते थे दामाद की, लेकिन तो ये इज्जत में लोग काजू देते पिस्ते देते, आप कुत्ता कमीना हरामजादा दे रहे हो। मैंने भी तो शादी की है, मैं बता रहा हूँ, कुत्ता इनकी किशमिश है, हरामजादा इनके बादाम है, और क्या था, कमीना इनकी वो है अखरोट। क्या ये इज्जत होती है? अरे गुस्से में तो बोलता ही है ना इंसान। गुस्से में आप उसको बोलो तू नामर्द, अपने अपने दामाद को ही नामर्द बोल रहे हो यार, कैसी सास? सबके सामने मेरी इज्जत ही उछालती है ये, बताओ। इसकी भी इज्जत है बेचारे की, लड़का है तो क्या हुआ, इसकी इज्जत उछल नहीं सकती यार। अरे इज्जत है ठीक है, हम भी इसकी इज्जत करते थे, लेकिन देखी मैंने कितनी इज्जत की। तुमने बताया मुझे सारा कुछ इसके बारे में, मैं तो नहीं। अबे आपने देखा ना ये क्या हरकतें करके दिखा रहा था, क्या क्या करती है आपकी बेटी, देखा ना आपने? मेरे को तो विश्वास नहीं है मेरी बेटी। तो आपको विश्वास कब होगा, कल परसों तरसों कब होगा? अरे इसी ने कुछ किया मेरी बेटी। ठीक है, इसने क्या कर दिया? अगर ये करता तो प्रेगनेंट ही कर देता ना आपकी आपकी बेटी, पेट से होती आप नानी बन जाती। यही तो मैं चाहती हूँ, लेकिन ये सब नहीं हुआ ना, और उसको पागल बना दिया। आप में भी दोरे आते हैं क्या, मतलब बीच बीच में भूत के? बेटा पागल बना दिया इसने मेरी बेटी को, और आपको भी कर दिया? नहीं मैंने तो ठीक था। आप ठीक हो? पक्का? ये कितने पांच है, चार है, और चार है, पांच क्या मतलब ये कितने दिखाओ तो नजर तो आए। आप हंस रहे हो? पांच है, तीन है। आपकी कोई तबीयत, आपकी खुद भी तबीयत खराब है मुझे लग रहा है बेटा, इसने कर दिया। ये कितने, क्या करूं ये कितने, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। बताओ ना, बताओ ना आंटी, दिखाई नहीं दे रहा बेटा मेरे को, मतलब तबीयत आपकी खराब ही है। इनको यही नहीं पता कितना, ये तो पांच है पूरे। अरे इसने झल्ला कर दिया ना, मेरे को टेंशन हो रही है, मेरे को इतनी ज्यादा। यार भूतों वाली कहानी सच होती है क्या आप लोगों को पता है? प्लीज कमेंट में मुझे बता सकते हो कि ऐसा होता है कि शादी के बाद अगर हम उसकी किसी की वाइफ को हाथ लगाए और उस वाइफ में भूत आ जाए? मैंने आज तक नहीं सुना, अगर आप लोगों ने सुना तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि ये ना चीज़ थोड़ी अलग सी हो रही है। देखो थोड़ा मेरे को ना अंदर से हंसी भी आ रही है, मजाक भी लग रहा है, क्या पता ये दोनों मिल के मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हो, या इन दोनों की मिल के कोई प्लानिंग हो, किसी को बुला के मुझे किडनैप विडनैप करा रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है भाई? भाई मैं आपस में मिले तो नहीं हो? आपको उसके साथ रूम में बंद कर दूंगा, आप खुद देख लेना। मेरे को किसी लड़की के साथ रूम को बंद करवा रहे हैं यार, बताओ आप देख लेना ना आपको। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा सर, अभी भी यकीन नहीं हो रहा। भगवान ना करे ऐसा कोई काम हो या फिर मेरे पे कोई भूत भूत आ जाए, बट मेरे को यकीन नहीं हो रहा। ठीक है आंटी, आपकी बेटी को ना अभी हम यहाँ पे बुलाएंगे, ठीक है? कैमरा लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, जो भी होगा आपके सामने होगा। प्लीज़ आप हम अगर जो भी गलत होगा ना उसका साइड मत लेना। अगर ये गलत होगा तो इसको मारना, इसको समझाना। अगर आपकी बेटी गलत होगी तो उसको समझाना प्लीज। मैं भी देखना ऐसे ना, अगर आपकी बेटी गलत हो आप उसके बाद भी बेटी का साथ दो तो देखो ये हमारे नियम के अगेंस्ट है। मेरी बेटी गलत होगी तो उसको घर से निकाल दूंगी मैं भी, देख प्लीज, लेना। प्लीज। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आज तो आपको भूत वाली वीडियो भी दिखाने वाला हूँ मैं।
बचपन में हम टीवी में देखा करते थे, अब आप मेरी वीडियो में देख रहे हो भूत वाला सीन। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, समझ रहे हो ना, कर दो। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हाय हाय, कैसे हो आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप दूर क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं, आप बात करो। आपको क्या बात? अरे तुम्हारी मम्मी की रोज कॉल आ रही है मेरे को, वो कह रही है मुझे नानी बनना जल्दी। यार समझो आप बात को, आप प्लीज बच्चा कर लेना चाहिए ना। अब आप प्लीज उन्हें बोलो ना कि मतलब अभी नहीं, अभी हमारी एज पर 5 साल हो चुके। और कब? बस 5 साल ही तो हुए हैं यार, लोग 10-10 साल हो जाते हैं। बहुत बड़ा टाइम होता है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है हम। नहीं मतलब जरूरी नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता। प्लीज आप समझो यार बात को। तुमको समझ नहीं आया मैंने बोला हाथ लगाने को? मैं तुझे जान ले लूंगी। हाथ क्यों लगाया? अब नहीं लगाऊंगा। मैं जान ले लूंगी तुझे। नहीं जान। नहीं बीबी क्या हुआ यार, तू पागल है क्या? तू समझ नहीं आता, तू बार बार ये हरकतें करती है। क्या हुआ? क्या हुआ? तू अभी इतना हंगामा करके बैठी है क्या? क्या मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बताओ ना क्या हुआ। तू बहुत शरीफ है, नहीं तुझे कुछ नहीं पता मेरी जिंदगी। नहीं हो रहा तेरे को समझ, जा ले मेरे से। तू बहुत दूर है मुझसे। तू मुझे बताओगे क्या हो रहा है? तू दूर रह, सर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तू दूर रह मुझसे, बहुत सर दर्द हो रहा है। मैं पागल था जो तुझसे शादी की मैंने? मुझे नहीं आ रहा पागल था मैं। क्या हुआ बताओ ना प्लीज मुझे। दूर रह मुझसे। क्या हुआ? दूर ना प्लीज, देखो ना, देखो देखो ना प्लीज, दूर है देखो ना प्लीज ना। फिर हाथ लगाया तूने मुझे, मैंने मना किया तो मैंने मुझे मना किया था मुझे। ओ नो नो, मैं जा ले लूंगी तेरी। कहां क्या करूं, क्या करूं? जा ले लूंगी तेरी, समझ नहीं आता मुझे। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हें। यार सर मैं कहां फंस गया उसके चक्कर में। सर बहुत दर्द हो रहा है मेरा। क्या हुआ मुझे बताओगे, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया, तुम दूर रहो बस उससे। मेरा सर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे को? तो मैं खुद परेशान हूँ यार इस लड़की से, ऊपर से ये तुम उससे परेशान, ऊपर से इसकी माँ मुझे परेशान करती है। प्लीज देखो ना बहुत दर्द हो रहा है, बताओ ना मुझे क्या हो रहा है, हेल्प मी ना। तुमको बोला दूर रहने को, समझ नहीं आता? चौधरी को तुम कहते हो पासो पासो, क्यों आ मेरे पास? मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। नहीं नहीं आ मेरे पास। क्या हो रहा है बताओ, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम बचपन से ही ऐसी हो शायद। तुम्हारी माँ भी झूठ बोलती है इसलिए। मेरा बहुत दर्द हो रहा है सर। चाल भाई से जरूर शादी कराइए तुम्हारी मेरे साथ। प्लीज हेल्प मी। सही था यार, मैं सिंगल सही था, पता नहीं क्यों शादी कर लिया। हेल्प मी, मुझे बताओ क्या हो रहा है, प्लीज हेल्प मी, बताओ क्या हो रहा है। मैं क्या करूं, ऐसे क्यों हूं मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल भी। बीबी मेरी बात तो सुनो, मैं खुद तुमसे परेशान हूं। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, प्लीज बैठो ना उससे बात करो। नहीं मुझे नहीं बैठना तुम्हारे पास, प्लीज सुनो। हां बोलो बीबी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी इच्छा नहीं होती क्या कि हमारा बीबी हो? हां तुम्हें तो पता है ना लड़कियों की इच्छा शादी के बाद एक माँ बनने की करते, लेकिन जब भी तुम्हें हाथ लगा तो पता नहीं क्या तुम्हारे ऊपर। मेरे को नहीं पता, मैं क्या बताऊँ, मैं सोचती तो हूँ लेकिन जब मैं सोचती हूँ ऐसा करूँ फिर मुझे पता नहीं क्यों अंदर से पता नहीं क्या हो जाता है, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा सर दर्द होने लगता है मुझे, फिर कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ। कंट्रोल करो ना प्लीज, इसे कंट्रोल करो। फिर हाथ लगाया, मना किया दोनों, मना किया दोनों, मना किया था, मत मना, क्यों समझ नहीं आता? मैं जान ले लूंगी, नहीं नहीं नहीं
दूर रहा मुझसे, देखो ना तेरे पास नहीं आना बिल्कुल भी। नहीं मैं 5 साल से एक ही चीज देख रहा हूँ। क्या 5 साल से तू मुझे ऐसी हरकतें दिखा रही है, मेरे ऊपर हाथ उठा देती है, कभी नाखून मार देती है, कभी मेरे गले पे नाखून कितने लगे हुए हैं। मैंने कहा किया कुछ, दिखाओ ना मुझे, लाओ ये देख कितने नाखून है ये हाथों पे। दिखाओ। नहीं तुम उससे दूर रह, बैठो ना, मुझे ऐसे दूर मत करो अपने आप से प्लीज। प्लीज मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, बताओ ना मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। क्या होता है मेरे साथ मुझे बताओ ना। तू पागलों की तरह करने लगती है। क्या मैं पागल हूँ तुम्हारे कहने का मतलब है? मैं तुझे पागल नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगता है तेरे अंदर कोई भूत भूत आता है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं? थोड़ा तो सोच समझ के बोलो, क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बीवी हूँ। ये देख अभी तूने मुझे नाखून मारे हैं। क्या? नहीं यार मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसी कैसे बातें कर रहे हो? मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? अभी तूने मुझे वहाँ पे गिरा के मारा है। नहीं तुम झूठ कह रहे हो, मैंने नहीं किया कुछ। देख मेरे कपड़े। मैंने नहीं किया कुछ, तुम झूठ कह रहे हो। देखो मेरी बात को समझो, तुम ऐसे ब्लेम मुझ पे क्यों लगा रहे हो? मैं क्यों बोला तुम्हें ऐसे नुकसान? क्योंकि तू कर रही है ऐसे। मैं क्यों करूंगी ऐसा, थोड़ा तो सोचो। हाँ अभी तो हमें आगे फ्यूचर प्लान करना है, हमें फ्यूचर बनाना है अपना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ मुझे नहीं पता तू ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन तू अपना इलाज करा, मुझे नहीं पता। कौन सा इलाज करूं? तुम्हारे कहने का मतलब मैं पागल हूँ? तू जो भी है मुझे नहीं पता। शादी क्यों करी जब मैं पागल हूँ? तो मुझे पता होता तो मैं तुझसे कभी शादी नहीं करता। मतलब मैं पागल हूँ? मुझे नहीं पता तू है या नहीं है, तू चेकअप करा अपना। मैं पागल हूँ पता? तुम ये कह रहे हो मुझे अगर प्यार नहीं होता तो मैं तुझसे कभी शादी भी नहीं करता। क्यों करी भी शादी? मत करते ना, ऐसे मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो पागल पागल कह के? बदनाम मैं क्या कर रहा हूँ? बदनाम तो तेरी माँ कर रही है मुझे। तुम्हें क्या बदनाम कर रही है? वो मुझे नामर्द नामर्द बोलती है। तुम खुद नहीं सोच सकते? मैं क्या सोचूं? वो बोलती है कुछ, बोलने देती है कभी कुछ? हमेशा तो हरकतें करती रहती है, फोन करके दूसरों को समझा रही है। तुम्हें समझ नहीं आता, प्लीज समझो। मैं क्या समझूं? जब भी तुझे समझाने के लिए सोचता हूँ कुछ ना कुछ हरकत कर देती है। तो तू रो रहा मुझसे? तुम्हें समझ नहीं आता? क्या हो गया तुम्हें? तू रो मुझसे? देखो फिर से तुम मारने के लिए पूछ रहे हो मुझे? हाँ मैं मारूंगी, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। नहीं मर जाओ, मुझसे दूर रहो, समझे तुम? समझ नहीं आता तुम्हें? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। बोलूंगा तुम्हें विश्वास नहीं कर रही थी, तू उसको पागल बना रही है। मम्मी मेरी बात सुनो, मम्मी मेरी बात सुनो, पहले कभी बता। आप मुझे मारो मत, क्योंकि शादी आपने करवाई है जबरदस्ती।
शादी मैंने करवाई थी लेकिन तुझे नहीं करनी चाहिए ना, उस टाइम तो गिड़गिड़ाती तो क्या करती, घर छोड़ के भाग जाती। पागल होने का ड्रामा उसको दिखा रही है कि मैं पागल हूँ। आज मम्मी आप ये कह रही हो, एक मिनट चुप रहो तुम। उस लड़के का अब तो ये तेरा पति है, क्यों सोचो आपने मेरे बारे में सोचा? नहीं बिरादरी में मेरी नाक कटवाएगी तू, 5 साल के बाद दूसरी शादी करेगी? मतलब मेरी साथ जबरदस्ती करवा दी मेरी? हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता कि लड़के की दूसरी शादी हो। अरे बेटा तू ऐसा मत कर, मैं इसको ठीक करती हूँ। ये जो तेरे अगर ये ड्रामे कर रही है ना, मैं इसको ठीक करती हूँ। देखती हूँ कैसे दूसरी शादी करेगी तू। मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, लेकिन मुझे इसके साथ भी नहीं रहना। नहीं करनी थी तो उस टाइम गिड़गिड़ाती मेरे आगे कि मुझे गिड़गिड़ाती। जबरदस्ती आपने करी थी, कितना गिड़गिड़ाती? मैंने क्यों करी थी? अच्छा घर था, अच्छा लड़का था, इतना सुंदर लड़का, इतना अच्छा। तुम रो रहे हो ना, मैं तुम कह रहे हो कि मैंने मना नहीं किया। मैंने बोला था, मैं कितना रोई थी, मुझे नहीं करनी। पर मैंने तुझसे अकेले में भी तो बात की थी रूम में। इन्होंने मुझे धमकाया था। कमे क्या है इस लड़के के अंदर? आपने मुझे धमकाया नहीं था कि जब वो बात करे तो बोलियो। खत्म कर दे ले मुझे, खत्म कर दे, खत्म कर दे ले मुझे। तुम चले जाओ। लड़की को बिल्कुल भी है, उसको कह रही है कि वो बाप नहीं बन सकता। ये नहीं कहती कि मैं कुछ नहीं करने देती। मुझे नहीं करना, मेरे को नहीं रहना उसके साथ। नहीं, अब कहाँ जाएगी तो? कोई नहीं, मुझे नहीं, मैं अकेली रह लूंगी। सारी जिंदगी मेरे को इस लड़के के साथ रहना। मैं अकेली रह लूंगी, मुझे नहीं रहना। सारी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, मेरे को नहीं पसंद। मैं नहीं करती इसको पसंद। ये ऐसी ड्रामे करती है, ये सब ड्रामे कर रही है। अच्छी भली लड़की है ये, पसंद होगा इसको कोई, इसलिए। किसी और के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। किसी और के चक्कर में जिंदगी बर्बाद करनी होती तो भाग चुकी होती फिर। अरे 4 दिन रखे, भाग जा इससे, अच्छा भाग जा। नहीं भागना, मुझे कहीं नहीं, मुझे जाना ही नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। तुम भी सुन लो, कोई नहीं रखता मेरी जिंदगी खराब कर रही है। शादी शुदा लड़की को कोई नहीं रखता अपने पास। 4 दिन के बाद धक्के मार तो मत रखे ना, कोई मत रखे, नहीं रहना मुझे। बेचारा तो तुझे इस हाल में भी झेल रहे वो। बेचारा किसने बोला इसको झेलने के लिए? चले जाओ ना, 4 साल से तुझे झेल रहे वो। किसने बोला झेलने के लिए? चले जाओ ना, नहीं है जरूरत। आप मुझे गलत बता रहे थे, नहीं है मुझे जरूरत। मैं उस बेचारे को पूरी रिश्तेदारी के अंदर कहती हूँ कि वो बेचारा बाप नहीं बन सकता। ये नहीं पता मेरी लड़की गलत है, ये ना मेरी लड़की गलत है ये। मैं कुछ गलत नहीं हूँ, बस मुझे पसंद नहीं, मुझे हाथ लगाता है। अब कुछ नहीं हो सकता, ये तेरा पति है, सारी कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है जिंदगी भर, ठीक है जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन नहीं आप मुझे मारोगे? नहीं। अच्छा आपने जबरदस्ती करी थी? नहीं आप नहीं कर सकते मम्मी, गलत है ये। सुनाई आप उसके चक्कर में मेरे को मार रहे हो। इधर आजा, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? नहीं नहीं मारू, ऐसी लड़की या फांसी लगा दो मैं, नहीं मारू तो ठीक है, फांसी लगा के मार दो ना, मार दो। अच्छा है, हाँ ठीक है, फांसी लगा के मार दो। मार दो फांसी लगा के, मेरी की इज्जत करेगी। सारे मुझसे पूछते हैं तुम्हारी लड़की माँ क्यों नहीं बनती है, कहती है वो बाप नहीं बन सकता। ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी लड़की जबरदस्ती शादी कराई, उसकी खुशी जिसमें थी उसमें नहीं करवाई। माँ बाप तो हर बच्चे की शादी कराते हैं उसका अच्छा देख के। हो गया बहुत अच्छा, हो गया ना, अच्छा ही देखा था। अच्छा लड़का, क्या कमी है उसके अंदर? क्या कमी है इस लड़के के अंदर जो तेरे लिए बेचारा अपने आप को मार रहा है? नहीं रहना मुझे उसके साथ, नहीं रहना मुझे, नहीं रहना। तूने देख बेचारे का क्या हाल कर रखे, देख डायन बन के खा गई उसको। जब बोलते दूर है तो दूर रहना, क्यों पास आता है मेरे पति? है तेरे पास नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप बोल रहे आप बोले जिंदगी भर रहेंगे, कोई बच्चा नहीं होगा। मैं तो हाथ नहीं लगा दूंगी, मैं किसी को नहीं लगाने दूंगी। नहीं मुझे कोई और भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तुझे हाथ नहीं लगा? मैं नहीं लगा दूंगी। शर्म कर ले, शर्म थोड़ी सी, वरना तेरे को जान से मार दूंगी यहीं। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे को नहीं पसंद, बस मेरे को नहीं चाहिए, मुझे नहीं पसंद। हाँ मार दो, होते ही मर जाती ना, मार दो, मर जाती। ठीक है ठीक है ठीक है, जान से मार दो, मार दो जान से, खत्म कर, खत्म कर। अभी लिया, अभी लिया चाकू। तुम तो जान मारना चाहते हो ना, जाओ लेके आओ। मैं नहीं मारने जाता, मेरी जिंदगी से चली जा बस अब तू। मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ, मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने 5 साल। मुझे नहीं रहना, नहीं रहना, मत रहो। नहीं आप तो बड़ा साइड ले रहे थे अपनी बेटी के। बेटा मुझे क्या पता कि यही डाइन बन बन के उस लड़के को डरा रही है। अच्छी बली थी, अच्छी बली मैंने शादी करी थी इसकी। तो भाई मेरी तो जिंदगी, मेरे को क्या पता, झूठ बोल रही है। तो अच्छी बली आपने जबरदस्ती करी थी, मैंने आपको मना भी। शादी क्यों करते हैं? जिंदगी बनाने के लिए करते हैं मम्मी। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। वो तेरा पति है, सुन ले मेरी बात। अरे तो आपको नहीं रहना तो मत रहो, हम आपसे कोई जोर जबरदस्ती हम नहीं कर रहे, कोई जबरदस्ती नहीं सुनती है। तो मेरे को एक बार बताओ तो ये कौन सा तरीका होता है शादी इसके साथ हुई है? टच करता तो टच करने नहीं देती यार। क्यों 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 शादी क्यों करी थी? मेरे मैंने नहीं करी।
करनी थी जब तो तुम्हें किससे करनी है शादी? किससे नहीं करनी तो मत करती ना, जब ये तुम्हें हार लगाता क्या होता है सब ड्रामे कर रही थी, ड्रामे कर रही थी। माँ को देखते तेरी सारी बूतनी चली गई अंदर से, नमाज को देख के तेरी सारी बूतनी चली गई अंदर से। मुझे बस मैं इसको अपने करीब नहीं आने चाहती बस। तो ये भी तेरे करीब आना नहीं चाहता, समझ आ रही है? तो डिवोर्स दे के खत्म करना। ओके तो उधर तेरी शादी हो रही है क्या? दूसरा मंडप है क्या इधर? ऐसा नहीं होता, जिस लड़की की शादी एक के साथ कर दी जाती है सारी। हाथ दिखा अपना, मुझे शादी ना, अब करियो ड्रामा। अब नहीं हो रहा ड्रामा, ड्रामा ही कर रही थी ना, ड्रामा ही कर रही थी ना। है कुछ नहीं, दवाई सब फोन मारूंगा तेरे। मेरी क्या गलती है? किसी की जिंदगी खराब कर दे, मेरी क्या जिंदगी है? मुझे क्यों बोल रहे हो उनको? तो उसको तेरी बात, तू बात करेगी ना उससे? मैंने तेरा ठेका उठा रखा, तेरा ठेका उठा रखा मैंने। नहीं सुनी तो इसकी जिंदगी को खराब कर दी, इसकी जिंदगी को खराब कर दी। खराब करने की जिम्मेदार वो है, मैं नहीं हूँ, मेरी भी मैंने कर दी है। कर दी तो अपनी माँ से बात करना, हम पे सारे चिल्ला रही है। ओ मैडम हेलो, वो देखा खत्म कर दो। ओ ओ ओ बढ़िया माता, आप डिवोर्स दिलवा के इसकी जिंदगी खराब, ऐसा नहीं होता। तो ये कहाँ से बस गया आपके बीच में? एक बार भी सुनी आपने? नहीं, क्या भला बहुत साल खराब कर दिया भाई इस लड़की ने मेरे। पांच साल से शादी हो रखी है लड़की, एक बार भी टच नहीं करने देती। जैसे लड़की को टच करो लड़की पागल बन बन के देखो। एक दो महीने में या फिर उसी दिन बता दी थी ऐसा कुछ। पता नहीं कौन सा भूत है माँ के, भूत माँ के, पता नहीं कौन सा भूत है माँ के, आते ही भूत चला गया। वो देख कैमरे में तेरा सारी भूतनी रिकॉर्ड हुई है, देखियो ये वीडियो, तू भी देखियो कैसी भूतनी करती है। पता नहीं कहाँ से एक्टिंग सीख के आई है भूतनी की, चुड़ैल कहीं की, डायन। थप्पड़ मारूंगा तेरे। मेरे को क्यों बोल रही हो? अपनी माँ को बोल डिवोर्स के पेपर चेक वो ऊपर कराने की बात कर से। यहाँ पे इधर इधर ज्यादा बनवा तो चलो उधर इधर चले, हेल्प मांगने आए अपना घर संवारा नहीं जा रहा। हाँ जी में ओ भाई इधर उधर की बातें मत करो, डिवोर्स के पेपर आप लोग तैयार करोगे वो थोड़ी ना कराएगा। जब आपकी बेटी में चाहता है इसे डिवोर्स लेना चाहता है बेटा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, जैसे शादी करने से पहले आपने नहीं पूछा, अब भी मुझसे नहीं पूछो। ऐसा क्या है उस लड़के में जिसके लिए तो इस बेचारे को छोड़ रही है? आप ना सब कुछ देख लो, पूरी हिस्ट्री जान लो, कोई लड़का नहीं, बट मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। तो मत करना, हो डिवोर्स के लिए रेडी कर अपनी माँ को। ज्यादा बन मत यहाँ पे। जब नहीं रहना तो भाई किस किस बात का मनाना है हमें? वो कह रही टच करने नहीं देना, इसके घर वाले इसको परेशान कर रहे हैं, ये भी आके इनको परेशान कर रही है कि तेरे से कुछ होता नहीं है यार। अपनी बेटी को अपने घर पे रखो, किसी और के घर खराब मत करो। पांच साल दिए इसने, पांच साल दिए, 25 कहीं और देते कहां से कहां होता मैं। हाँ दो तीन बच्चे होते और कुछ नहीं, बच्चा तेरी तरह ही है मेरे को। तेरी माँ ने भी तो बच्चा करा, तू आई है। तेरी माँ अगर तेरे को नहीं करते तो ये वाली ये एक मिनट शादी करवाई। ये गलती कब करी आपने? मैं गलती जन्म कितने साल पहले गलती करी आपने? कह रही हो गलती है तो आप एक क्या, ये आपकी माँ ही बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ। सॉरी मैं तो भूल गई, जिसको माँ है ना। तो आप दूसरे का घर खराब करो। अच्छा आप दूसरे का घर खराब करो। मैं आपको शादी नहीं करनी किसी के साथ, आपकी उम्र हो गई है शादी की, पाँच साल आप उसके साथ रह रहे। अपनी जॉब करके खुद तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपको इसके साथ नहीं रहना था, कुछ नहीं करना था, ठीक है अपना अपना सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, आपने इसके पाँच साल क्यों बर्बाद करे? अब दुनिया के सामने तो ये पाँच साल शादीशुदा रहा ना। शादी के तुरंत बाद डिवोर्स दी थी, शादी के बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, माना चाहिए ना। क्या क्या फायदा उस शादी को, शादी के एक दिन बाद? अच्छा अच्छा, अब ये सारी बातें दुनिया को पता लग जाएंगी कि उनकी बेटी में कोई दिक्कत है। अगर दुनिया के पास दिमाग होगा ना तो वो समझ जाएंगी। क्या समझेंगे? कि आपने किसी के पाँच साल खराब करे, इनकी तो गलती है, ठीक है आप भी तो कहीं ना कहीं गलत हो ना। ठीक है मेरी गलती है मान, तो आप नहीं, आपकी गलती मानने से क्या इसके पाँच साल वापस आ जाएंगे? क्या करूँ मैं, बताओ मैं क्या करूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ इसके। तो एक दो महीने बाद ही कह देती ना। आप थोड़ा उधर हो जाओ, उधर हो, इधर बैठो, आप इधर हो, इधर हो। क्या हुआ है, क्या दिक्कत है मुझे बताओ? पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता। क्या किसी और से शादी करनी? मैं सिर्फ झूठ मत बोलो। कोई बात है यही खत्म करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। आप बताओ कोई बात है, कोई मन में कोई बात है जो बताना चाहते हो? इनसे शादी से चुप हो जा, क्या बात हुई है पूरी बताओ। इनसे शादी से पहले मैं करती थी किसी से प्यार। अच्छा हाँ ठीक है, और मम्मी को मैंने बताया था। अच्छा अभी मम्मी मना करेंगी, मम्मी ने मना कर दिया, मम्मी ने शादी नहीं की। मैंने तब भी
मैं चाहती हूँ घर से भाग सकती थी सब कुछ कर, मैंने नहीं, मम्मी के प्रेशर में आके मैंने फिर भी खुशी के लिए मैंने शादी कर ली। बस अब यही है, मैं उससे प्यार करती थी तो मैं आज भी करती हूँ, बस भले ही मैं आज उससे बात भी नहीं करती, मिलती भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं और किसी को अपने करीब आने दूँ। मम्मी जी तुम्हें बता देनी चाहिए थी ना ये बात। अब यहाँ पे गलत, अब मैं किसको समझे यार, ये मम्मी जी गलत है फिर, मतलब पूरी पूरी गलत बैठी हुई है, कब का सती सावित्री बन के बैठी, गलत का साथ ये भी दे रही थी, और ये ऐसे दिखा रही है कि इनको कुछ पता नहीं हम कब का इसको गलत समझ रहे हैं, जबकि ये बैठी हुई है ऊपर से। बेटे माँ बाप तो अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, पर तुम्हें बताना चाहिए था ना कि ऐसा कुछ है। ये तो आप इसने सारी बोल पट्टी खोली है ना अपनी, सिर्फ पहले तो सिर्फ ये कहा था किसी लड़के से प्यार करती है तो मैंने तेरी से शादी करवाई तो मान लो शादी करी ना, मैंने बताया और मम्मी ने जल्दबाजी में मेरी से शादी कर दी, मम्मी ने ऐसा मजाक में खराब कर दी भाई, मैं क्या करूं, कहां जाके मरूं मैं। अब एक बात चलो ठीक है, आपके आप किसी से प्यार करते थे ठीक है, आपकी भावनाओं की आपकी फीलिंग्स की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं मैं, बट इसके 5 साल तो नहीं आ सकते ना, दुनिया के सामने शादीशुदा हुआ, अब अगर कहीं पे शादी करने के लिए जाएगा तो सबको ये तो पता लग गया ना कि शादीशुदा, जब शादीशुदा बंदा हो जाता है उसको फिर शादी करने के लिए ना थोड़ी मुश्किलें होती हैं, थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब इसने भले तुम्हारे साथ कुछ नहीं करा और तुमने इसको कुछ नहीं करने दिया, बट दुनिया तो नहीं मानेगी ना बात, तुम किसी अपने फ्रेंड को रिश्तेदार को बताओगे हमने 5 साल कुछ नहीं करा, कोई मानेगा? आप मानोगे? आपकी माँ है, माँ ही नहीं मानेगी, पूछो माँ से पूछो। देखो उस लड़के ने तुझे धोखा दिया, अब तू उसके साथ बात नहीं करती तो ये तो तेरा पति है बेटा, इसने मुझे धोखा नहीं दिया, आपकी वजह से हमारी बात बंद हुई थी, बंद हो गई ना, आपकी इज्जत कर दी थी इसीलिए, अब तो उससे नहीं मिलती, आपने जबरदस्ती शादी करवा दी तो क्या करते? अब तो इसको अपने पति समझ या ना समझ, लेकिन वो तेरा पति है। अब वो कह रही मुझे नहीं रहना, मैं इसको कभी भी जिंदगी में टच करने नहीं दूंगी, मुझे भी नहीं चाहिए भाई। आप ही बताओ, मेरे को नहीं आ रहा कुछ समझ, आप ही मुझे बता दो कुछ, मुझे नहीं चाहिए बेटा, ये पागल नहीं है, ये ड्रामे कर रही थी पागल, मुझे पता है सब सब पता लग गया मुझे, कितनी किसकी गलती है आप मत बोलो बिल्कुल भी कुछ, सारी गलती आपकी है, जब वो प्यार करती थी तो उस लड़के से करवा रही थी आप शादी, क्या जाता आपका? बेटा उस लड़के में कुछ भी अच्छाई नहीं थी, तुझ में मैंने इतनी अच्छाई देखी, तब भी आप इसको आराम ज्यादा बोल रहे थे, अब मुझे तो इसने बताया, तभी कमी ना बोला, तभी कुत्ता बोला, कुछ कुछ बन जाता आगे, इसने भड़काया ना मुझे इसके खिलाफ, मुझे क्या पता गलती सारी मेरी, अभी अभी आप तो बोलो मत, आप तो बोलो ही मत, आप नहीं तो ये फसाद की जड़ आप ही हो, ठीक है? अब क्या करना, अगर उसने तुम्हें 5 साल दिए तो तुम्हें 2 महीने देगा, वो मैं उसको समझाऊंगा मेरी तरफ से, वो आपको 2 महीने देगा, 3 महीने जितना आपको टाइम चाहिए मैं दिलवाऊंगा, मैं इससे बात करूँ, नीचे बैठ, मैं इससे बात करूँगा, मैं इससे टाइम लूँगा, सब मैं करूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत हो, पैसे की, कहीं जाना हो घूमने के लिए, कुछ भी सब मेरी तरफ से होगा। मुझे सब नहीं चाहिए, मैं बस कंफर्ट होना चाहता हूँ, अगर मुझे कंफर्ट देखो, एक बात बताओ, जो लड़का चला गया वो अपनी लाइफ में खुश है, अब वो अब किसी भी अपने उसकी भी शादी हो गई, वो भी किसी अपने पार्टनर के साथ खुश है, तो तुम भी अपने पार्टनर के साथ खुश रहो ना, ज़िंदगी में साथ कौन देता है लास्ट में, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देते हैं ना, मम्मी पापा तो दूर हो जाते हैं, है ना, तो आइए आपका हस्बैंड है, जब आपको 5 साल दे सकता है अपने, आपको 5 साल सोचो आज के टाइम में कौन सा ऐसा लड़का होगा जो आपको 5 साल टच नहीं करेगा तो भी आपको रखा हुआ है उसने, ये भी आज ये सब कुछ नहीं होता, इन्होंने इसको बोला कि मेरे को नानी बनना है, और इन्होंने तेरी माँ ने तेरे हस्बैंड को यूँ बोला कि तू ना मर्द है, उसको गुस्सा नहीं आएगा? सॉरी के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको इट्स ओके, लेकिन देखो ये जो बात हो रही है ना, आप समझो बात को, मैं कोशिश करूंगी, मैंने अभी तक कोशिश नहीं करी थी लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी। बेटा मुझे भी तू माफ कर देना, मैंने तुझे इतना गलत कहा, गालियां दी, मारा तुझे, और तूने फिर भी मेरी इज्जत करी बेटे, सॉरी मुझे माफ कर देना बेटे। आप बड़े हो, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, लेकिन किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहले गलती देख लेनी चाहिए किसकी है। बेटा मुझे नहीं पता था मेरी लड़की तेज ऐसे ऐसे करती है, आपको बता रहा था मैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा था, अब तो देख लिया जो भी होता ना, समझ रहा जी। उसको थोड़ा उसको समझ, वो तेरे को समझेगी, ठीक है, डन है, पिंकी प्रॉमिस, ठीक है, जब आप दोनों आपस में कंफर्टेबल हो जाओगे ना फिर मुझे पार्टी दे देना, ठीक है,
अब ऐसी खुशी घर जाना, आपने जो करा सो आपके बाद प्लीज मत करना। देखो मेरे को नहीं पता था, मुझे पता होता ना कि आप गलत हो तो मैं स्टार्टिंग से ये सारा कुछ करता ही नहीं। बेटे मैं गलत नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए ये सब बट समझाने का तरीका भी, अब देखो दो मिनट में मैंने समझा दिया, थोड़ा समझाने का तरीका। हमारे माँ बापों की दिक्कत पता है क्या, मैं बता देता हूँ। वो यूँ समझते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी थी ना पुराने ज़माने वाली, तो बच्चों की ज़िंदगी भी वैसे हो। देखो टाइम बदला है ना, पहले चीनी 5 रुपये किलो थी, अब 60-70 रुपये किलो हो गई है ना, टाइम बदला है ना। पहले पेट्रोल 20 रुपये लीटर था, अब 100 रुपये लीटर है, टाइम बदला है ना। तो आप माँ बापों की गलती नहीं, आप माँ बाप पता है क्या कहते हो कि भाई जैसे हम थे ना पुराने ज़माने में तुम भी वैसे रहो, हम अपनी बहुओं से काम कराते थे तुम भी अपनी बहुओं से काम करो। भैया आज के टाइम में वैसा टाइम नहीं है, दोनों को 50-50 करके चलना पड़ेगा। सिंपल सी बात जितना मैंने दुनिया में देखा। बाकी अपने घरों में खुश रहो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।